हाय फ्रेंड्स, आपंक स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। एक क्लास रे आम 2019 मसीहा बीडी एग्जाम आसीथिबा गोटे सिफ्टर क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। 3 जून 2019 बेस्ट सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। एहा पूर्व आम 2014 मसीहा 2018 मसीहा पर्यंत समस्त सिफ्टर क्वेश्चन को डिस्कशन कर सारीछे। आपण देखिबा चाहते प्ले लिस्ट को देख पारबे। सीरीज माध्यम आम 2014 मसीहार 2022 मसीहार होता बीडी एग्जाम समस्त ईयर समस्त सिफ्टर क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। आप देखापी चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ, ता सहित टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हुंतु। वर्तमान बीडी एग्जाम 2023 मसीहा क्लास चली। आप देखापी चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ बा अन्य एग्जाम देखुं इम्पोर्टेंट अटे। आपड़ साइंस अटंती, साइंस बैकग्राउंड अटंती, आप पार्ट वन रो समस्त क्वेश्चन को देखि पारे। तेणु प्रथम एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पुपिल टीचर सिस्टम एज प्रिविलेज इन इंग्लैंड इन इंडिया एंड एन अवार्ड और स्टाइपेंड टू द पुपिल टीचर। पुपिल टीचर मान को स्टाइपेंड देवाई अवार्ड देवाई इंग्लैंड ठारे किए कही बा किए रिकमेंडेशन देते किए देते उड्स डेस्पाच कमिशन द्वारा दीजाला उड्स डेस्पाच देते। उड्स डेस्पाच कमिशन के 1854 मसीह उड्स डेस्पाच कमिशन आम देश में आसी। उड्स डेस्पाच कमिशन को कौन कहे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहुए। उड्स डेस्पाच कमिशन 1857 मसीह कौन करता तीनोटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को तैयारी कराइला कौटा कलिकता बॉम्बे एवं मद्रास कलिकता को प्रथम तैयारी तेणु यार सटिक आंसर हम उड्स डेस्पाच कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कॉज फॉर द डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ। अर्थ रे विभिन्न प्रकार सीजन होते ऋतु परिवर्तन कहीं होते कहीं ऋतु परिवर्तन होते कौन कहुए बा कहीं होते कौन कहुए कहुए ऋतु परिवर्तन होते रिवोल्यूशन जोगु होते ऋतु परिवर्तन। रिवोल्यूशन माने कौन अटे पृथ्वी अर्थ पृथ्वी कहा चारिपटे घूरवा द्वारा ताकि रिवोल्यूशन सूर्य चारिपटे घूरवा कौन कहुए रिवोल्यूशन कहुए। यह द्वारा सीजन चेंज होते ऋतु परिवर्तन होते कहुए रिवोल्यूशन। एवं रोटेशन क्या कहुए पृथ्वी निज चारिपटे घूरवा कौन कहुए पृथ्वी निज चारिपटे घूरवा को रोटेशन कहुए। एवं रोटेशन द्वारा कौन होता है दिन एवं राति होता है तेणु यार सठिक आंसर कौन हम सीजन चेंज होबार कारण कौन अटे पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवार सीजन चेंज होता है तेणु द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एज इट्स ऑर्बिट द सन अर्थात सूर्य चारिपटे घूरवार पृथ्वी सीजन चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डेवलपिंग द सेन्स ऑफ कोऑपरेशन एवं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग सजेसन फर द डेभलपमेंट अफ स्टेट टीचर एजुकेटर्स इन द फंक्शन अफ ह्विच अफ द फलोइंग एजेन्सी। कहार कार्य अटे कि स्टेट टीचर एजुकेशन रहा डेभलपमेंट करवा कहार कार्य अटे स्टेट बोर्ड अफ टीचर एजुकेशन रार्ज अटे कि स्टेट टीचर एजुकेटर मानक डेभलपमेंट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द 1992 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेड स्पेशल अटेंशन ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन ऑर्डर टू महिला मानकर एजुकेशन उपरे 1992 मसीह कौन होता 1986 मसीह एजुकेशन पॉलिसी आसीला यह रिवाइज कर 1992 मसीह यार चेयरमैन किए थे प्रोफेसर यशपाल थे प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाद्वारा कर महिला मानू कहीं मैक्सिमम एजुकेशन उपरे ध्यान दि जाता कहीं महिला मानकर साक्षरता हार कम थिला से समय से तेणु यार सटिक आंसर कौन हे द ओवरकम द पुअर रेट ऑफ लिटरेसी महिला मानकर साक्षरता कम थिला से एजुकेशन उपरे अधिक ध्यान दि जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कौटा गोटे भूल दि जाइए इनकरेक्ट दि जाइए फंडामेंटल राइट अनुसार फंडामेंटल राइट विषय कौटे लिखाई 12 रु 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट विषय लिखा जाइए केतोटी आम फंडामेंटल राइट अच्छी आगर 7 बर्तमान अच्छी 6 फंडामेंटल राइट कौटे लिखाई पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन 12 रु 35 आर्टिकल लिखाई
କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ? ଆମେରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକେଲ 32ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମର କେହି ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ। ଏହା ବିଷୟରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ବା ଆର୍ଟିକେଲ 32ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଲଚରାଲ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ 29 ଏବଂ 30 ଆର୍ଟିକେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ 23 ଏବଂ 24 ଆର୍ଟିକେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ କାହା ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା? ତେଣୁ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରିଜନିଂରୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ SPRINTକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 179952 ଲେଖାଯାଇଛି SPRINTକୁ। ଏସ୍ ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ? ଏସ୍ ମାନେ ହେଉଛି 19, କିନ୍ତୁ 19 ଲେଖାଯାଇଛି କି ଲେଖାଯାଇନି? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଲେଟର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସ୍ ମାନେ କେତେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏସ୍ ମାନେ 1 ଲେଖାଯାଇଛି। ପି ମାନେ କେତେ ହେବ? ପି ମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି 7 ଲେଖାଯାଇଛି। ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆର୍ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି 9 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ 9 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏନ୍ ମାନେ 5 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟି ମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 2 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ SPARROW ମାନେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖିବା ଏସ୍ ଏବଂ ପି ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ SP ମାନେ 17, ଏ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନି, ଏ ମାନେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଟିରେ। ଏବଂ ଆର୍ ମାନେ କେତେ ଅଟେ? 9 ଅଟେ, RRR ଅଛି ତେଣୁ 9 ଅଟେ। ଓର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନି ଏବଂ WR ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟି 17 ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟି ଛାଡ଼ିକି 99 ଥିବ, ବା 99 କେଉଁଟାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି 17 ଅଛି, ତାପରେ 99 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହୋଇପାରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କନକ୍ଲୁଜନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କାଟିବେ, ଏହି ଅଲ୍ରୁ କରିବେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ। ଅଲ୍ ଭେନ୍ ଆର୍ ବାଇକ୍, ସମସ୍ତ ଭେନ୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଭେନ୍ ବାଇକ୍ ଅଟନ୍ତି, ବାଇକ୍, ଅଲ୍ ଭେନ୍ ଆର୍ ବାଇକ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଅଲ୍ ଭେନ୍ ଆର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍, ସେନୁ ସମ୍ ବାଇକ୍ ଆର୍ କାର୍, ଏବଂ ବାଇକ୍ର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? କାର୍ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ନୋ ବାଇସାଇକେଲ ଇଜ୍ ବାଇକ୍, କୌଣସି ବାଇସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଅଲ୍ ବାଇକ୍ ଆର୍ ଭେନ୍, ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଅଲ୍ ଭେନ୍ ଆର୍ ବାଇକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ବାଇକ୍ ଆର୍ ଭେନ୍ ହେବ କି? ହେବନି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଲ୍ ବାଇସାଇକେଲ ଆର୍ କାର୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଇସାଇକେଲ କାର୍ ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ନୋ ବାଇସାଇକେଲ ଇଜ୍ ଏ ଭେନ୍, କୌଣସି ବାଇସାଇକେଲ ଭେନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଫଲୋଜ୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ବସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ ଏଟ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଟେକ୍ 3 hours 30 minutes ଟୁ କଭର୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ 140 kilometers, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ କ'ଣ କଲା? ସେ ଗଲା 3 ଘଣ୍ଟା 30 minutes ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ ନେଲା? 140 kilometers per hour ନେଲା। ତାହେଲେ ତାହାର ସ୍ପିଡ଼୍ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଆମେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଟୁ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ସ୍ପିଡ଼୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଏ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 140 ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଟାଇମ୍ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 3 ଘଣ୍ଟା 30 minutes ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଢ଼ିବା କେତେ ହେବ? 140 ବାଏ 3 ଘଣ୍ଟା 30 minutes। 3 ଘଣ୍ଟା 30 minutesକୁ କେତେ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 3 + 1/2 ଲେଖିପାରିବା ଏହାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 minutesକୁ 1/2 ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 3 × 2 = 6 = 7, 7/2 ହେବ, ଏବଂ 2ଟା ଉପରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ, ତେଣୁ 7 × 2 = 14, 20 × 2 = 40, ତେଣୁ କେତେ ହେବ? 40 kilometers per hour ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି?
तेणु यार सठिक आंसर कौन हम 40 किलोमीटर पर आवर हे तेणु देखा यहाँ टेस्ट कर देखा हेब ना नहीं तरह सठिक आंसर गोटे घंटार केते 40 किलोमीटर पर आवर जाऊँ तेणु 3 घंटा 30 मिनिट्रे 3 घंटे 40 40 40 तापरे अधा घंटे केते जीव 20 तेणु केते हेब 140 40 40 80 एवं 40 120 एवं 20 केते होची 140 तेणु यार सठिक आंसर केते हेब 40 हेब यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ताहले एक्स रो वैल्यू केते कहा जाय छी तेणु आम स्टेटमेंट सेकेंड रू ही जानी जीवा वे को जदि आम एक्स थ्री थ्री वे जगार आम जदि करवा आसीज यार भैल्यू आसीज तेणु आम स्टेटमेंट सेकेंड रू जापारे तेणु यार सठिक आंसर कौन हम बी हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑल द मेथड आर एप्रोचेस समस्त मेथड कौन अटंती एप्रोचेस अटंती समस्त मेथड कौन अटंती समस्त मेथड एप्रोचेस अटंती सेकेंड रे कौन दि जाइए सम फर्मुला आर मेथड किसी फर्मुला कौन अटंती मेथड अटंती किसी फर्मुला मेथड अटंती कौन दे सम लॉजिक आर फर्मुला किसी लॉजिक फर्मुला अटंती लॉजिक किसी लॉजिक फर्मुला अटंती तेणु कंक्लूजन रे कौन दि जाइए सम एप्रोचेस आर फर्मुला किसी एप्रोचेस एप्रोचेस ये बड़ा हूँ एप्रोचेस फर्मुला अटंती तेणु सठिक अटे फास्ट राइट अटे सम मेथड आर लॉजिक किसी मेथड लॉजिक अटंती कि मेथड एवं लॉजिक तेणु डायरेक्ट दि जाए तेणु यह पारना कितु यार प्लसिबिलिटी हो पाए नो मेथड इज लॉजिक यह कौन कहुए तेणु डी रे कौन दि जाए बा आई भी कौन दी सम फर्मुला आर लॉजिक किसी फर्मुला लॉजिक सठिक अटे किसी फर्मुला लॉजिक अटे तेणु आई एवं आई भी टी करेक्ट अटे तेणु यार सठिक आंसर कौन हम फास्ट रे आई एवं आई भी दि जाए तेणु रंग हेब डी रे दि जाए सी रे दि जाए तेणु यार सठिक आंसर कौन हम बी हेब किंतु यही डबल आई एवं ट्रिपल आई पॉसिबिलिटी रे होई पारे तेणु एठार आदर और दि जाए तेणु यार सठिक आंसर कौन हम बी हेब बी रे केवल आई एवं आई भी दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट देखा टीचिंग एपिसोड रे केमिति क्वेश्चन आसीतला टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन को देखा आपण लाइक करना ताले लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब मध्ये करंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्लास टू डिटरमाइन व्हेयर द स्टूडेंट आर अनक्लीयर और कन्फ्यूज्ड आम केते बेले करि थौ क्लास रो एंड रे जानि थौ आम असेसमेंट करि थौ बा इवैल्यूएशन करि थौ एवं काहेकि करि थौ स्टूडेंट टी क्लियर अछि ना नै बा कन्फ्यूज अछि ना नै ताहाकु कोन कहा जे एहि बलिया जदि असेसमेंट करा जे ताहा कोन कहा जे मुडीएस पॉइंट कहा जे मुडीएस पॉइंट कहा जे ए वयर सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एज पर द ब्राउन्स क्लासिफिकेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कमर्शियल माने कौन अटे कमर्शियल माने जहाँ द्वारा आम पैसा इनकम कमर्शियल एजेंसी कहा जाए कमर्शियल कहा जाए एजेंसी माने कौन अटे फॉर्मल नॉन फॉर्मल ए मानक तेणु ब्राउन्स क्लासिफिकेशन अनुसार कौटा गोटे फॉर्मल कौटा गोटे कमर्शियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन अटे कौटा गोटे मागार्जिन यहाँ आम पैसा इनकम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इनफर्मेसन अबाउट स्टूडेंट आम स्टूडेंट मानू कि कलेक्ट इनफर्मेसन नहीं था परफॉर्मेंस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन एवं आम तार परफॉर्मेंस को चेक करथौ परफॉर्मेंस को आम केते बेले चेक कर परबा जते बेले पढ़ाउथबा सही समय रे कर परबा टीचिंग लर्निंग समय रे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग समय रे एही भलिया असेसमेंट को कोन कहा जे या कहा जे फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बेले आम करथौ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जते बेले आम पढ़ाइबा सही समय रे करथौ तेणु यह द्वारा आम कौन परफॉर्मेंस चेक करूँ तेणु यार सटिक आंसर कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इनवॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग रे कोटा आसी नथाय कहा जाय छी
केतेबेले पिलाटी करिथे कंस्ट्रक्टिव टीचिंग रे कोन होइथे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिथे ता सहित प्रीवियस नॉलेज एवं न्यू लर्निंग एवं प्रीवियस नॉलेज को आमे कोन कहिथौ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कहिथौ। तेणु न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज सठिक अटे। लर्निंग इज ए मीनिंग मेकिंग प्रोसेस सठिक अटे। रिक्वेयर टू सॉल्व ओनली लॉजिकल प्रॉब्लम। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम ओनली लॉजिकल प्रॉब्लम हेबो ना तेणु कौटा एक्सेप्ट दिखाई तेणु यार सठिक आंसर कौन हम यह दिखाई भूल दिखाई तेणु बी हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए टारगेटेड स्कूल और इंस्टीट्यूशन ऑफ राष्ट्रीय अभियान अभियान डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। एमएचआरडी द्वारा कौन कर एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा कौन कर राष्ट्रीय अभियान अभियान को डेवलप कर यार कौटा गोटे टारगेट बा एम ना स्पेशल स्कूल फॉर डिजेबल तार टारगेट केन्द्रीय विद्यालय मध्यम लोकाल बडी मध्य कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेस स्टूडेंट लर्न द स्टडिंग कोर्स मटेरियल आउटसाइड ऑफ क्लास अर्थात क्लास बाहर से पढ़ी थाए वाचिंग प्री रेकॉर्डेड लेसन्स एट होम एंड कंप्लीटिंग इन क्लास असेसमेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग लेक्चर इन क्लास एंड डूइंग होमवर्क एट होम अर्थात से किभली पढ़ी थाए जमी डिस्टेंस लर्निंग रे पढ़ी थांती से भलिया पढ़ी थाए घरे पढ़ी थाए समस्त क्लास बाहर पढ़ी थाए एवं प्री रेकॉर्डेड क्लास गुड़िक देखी थाए यह कौन कहुए फ्लिपेड क्लासरूम मॉडल कहुए यह कौन कहुए फ्लिपेड क्लासरूम मॉडल कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप इन 1945 मसीह तैयारी एज ए नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट एंड सर्वे ऑन फैसिलिटेट अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रे एडवाइस देवाई बाक 1945 मसीह टेक्निकल एजुकेशन तैयारी कौटा कर एआईसीटी कर तेणु यार सठिक आंसर कौन हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बाठे गोटे जगार ही टेक्निकल एजुकेशन कथा दि जाए यह आप टिक लगे एआईसीटी बा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को 1945 मसीह कहीं टेक्निकल एजुकेशन रे एडवाइस देवाई एडवाइजरी बॉडी अटे यहाँ गोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड इमोशनल इंटेलिजेंस रो कॉन्सेप्ट किए डेवलप करते डानियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड रो तार एडवांटेज कौन अटे कौन अटे बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करवा विषय जानवा इंपोर्टेंट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंकुर हैड बीन वाचिंग वेरी एग्रेसिव गेम एंड देयरफॉर वाज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव इन हिज जनरल बिहेवियर दिस इज सिमिलर टू द फोकस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन सोशल लर्निंग बे यह किए देते सोशल लर्निंग कहुई सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जदि कही था कौन होता भैगस के हाँ कि सोशल लर्निंग मैंने कौन अटे आलबर्ट बांदुरा कही थी सोशल लर्निंग विषय तेणु यह टीचिंग एप्टिट्यूड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा आम ओडिया ग्रामर इंग्लीश को मुझे पढ़े तेणु इंग्लीश करवा ना तेणु ओडिया ग्रामर क्वेश्चन को देखा भक्त सहित भगवान मधुर संपर्क थाए रेखांकित शब्द टी के विभक्ति हेबो भक्त सहित भगवान संपर्क मधुर संपर्क थाए एठारे को विभक्ति होची बा संबंध अर्थरे कौन होता है षष्ठी विभक्ति केमिति जानपरिबे र लागी थाए र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओडिया भाषा रे व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु केतोटी स्पर्श वर्ण अटे केतोटी अटे 25 टी बाहा कोन कहजे वर्ग व्यंजन मध्य कहजे एवं यहा को केतोटी भाग रे विभक्त कराई छि 5टी भाग रे विभक्त कराई छि क रु म पर्यंत क चट तप एवं क तामुद ओ 5टी भाग रे यहा को विभक्त कराई छि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
धनरत्न धनरत्न यह किपर कौन अटे धन जहाँ रत्न ता तेणु यह कौन अटे समानार्थक शब्द अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राचीन ओडिशार अधिवासी माने बोईतरे कहा साहय बोईतरे जहाद्वारा कार्यटी साधित होता से जगार को विभक्त होता है तृतीया विभक्ति एवं करण कारक तृतीया विभक्ति एवं करण कारक होता है जहाद्वारा कार्यटी साधित होता है बा क्रियाटी साधित होता है। प्राचीन ओडिशार अधिवासी माने बोईतरे जाऊले कहा साहय बोईतरे जाऊले मु स्कूल को गली बस रे गली कहा द्वारा गली बस रे गली मु साइकिल रे गली ये बोली जहाँ द्वारा मैं कार्य साधित होता है से जगह तृतीय विभक्ति एवं करण कारक। अद्यावधि यार संधि विच्छेद किपर हो अद्यावधि किपर हो अद्ययुक्त अवधि अद्यावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हस्तशिल्प यह कौ समास अटे विशेष सह जदि विशेषण लगे कौन हुए कर्मधारय तेणु यार सठिक आंसर कौन है कर्मधारय समास। ओडिशार अधिवासी माने वाणिज्य कारबार करुथिले ए कारबारटी कोठारु आसीछि कारबारटा को शब्द अटे को शब्द अटे पारसी शब्द अटे। स्वर वर्ण रे केतोटी ध्वनि अछि स्वर वर्ण रे केतोटी ध्वनि अछि एगारटी ध्वनि अच्छी एवं यह केतोटी भाग में विभक्त कराई दुईटी भाग में शुद्ध स्वर आठटी एवं संयुक्त स्वर दुईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्षण यार स्पेलिंग बा यार संधि विच्छेद किपर हो क्षण किपर हो कण तेणु यार सठिक आंसर कौन हम बी हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाप कर्मरु विरत हुओ विरत हुआ माने पाप कर्मरु विरत हुआ माने अलगा हुओ ए जगह कौन होता है विच्छिन्न अर्थ रे पाप कर्मरु विरत हुआ माने कौन है अलगा है तेणु अलगा है विच्छिन्न होगा क्षेत्र में कौन होता है अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति तेणु यार सठिक आंसर कौन हम अपदान कारक एवं पंचमी विभक्ति कौन से जगह आम अलगा विच्छिन्न क्षेत्र में रही है तेणु यह थिला ओडिया ग्रामर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन आपण जदि एबे पर्यंत लाइक करिना ताले लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करिना ताले ता मध्य करंतु। नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफेक्टेड इन नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध रे हारिथिले को युद्ध रे हारिथिले बैटल ऑफ वाटरलू एवं यह केबे होइथिला 1815 मसीह होइथिला बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद कौन तैयारी करते को ऑर्गेनाइजेशन को तैयारी करते कौटे करते रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण परमहंस किए थे गुरु थे से 1897 मसीह रामकृष्ण मिशन को से तैयारी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बाबा राम सिंह एवं बाबा बलक सिंह को मूवमेंट करते को सोशल रिलीजियस मूवमेंट करते बाबा राम सिंह एवं बाबा बलक सिंह यह गोटे सिख मूवमेंट अटे कौटा करते नामधारी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट एम्फासिस हैज बीन गिवन टू द को राइट को अधिक गुरुत्व दिया जाइला कोटा को पॉलिटिकल एवं सोशल राइट को यह मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन सर थॉमस रो केम टू इंडिया इन 1615 सर थॉमस रो 1615 मसीह जिते बिल आसते से ही समय आम देश में किए राजत्व करुले किए मुगल एम्पायर राजत्व करुले किए थे जहांगीर यार सठिक आंसर हम जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा किंग लुइस एक्सबीए बिलंग टू ह्विच डायनेस्टी किंग लुइस एक्सबीए को डायनेस्टी रू बिलंग करुले कहला बर्बन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु
हु वाज द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली, इटली रे फासिज्म रो लीडर किए थे मुसोलिनी। हु लेड द पिजान मूवमेंट इन अवध ड्यूरींग द नन कोपरेसन मुमेंट, नन कोपरेसन मुमेंट केवे 1920 मसीह होता किए करते महात्मा गांधी करते खिलाफत मुमेंट मध्य 1920 मसीह होता मोहम्मद अली और शौकत अली करते ही समय अवध ठारे पिजान मुमेंट, पिजान मुमेंट मान पिजान मान फार्मर मान कहुए अवध ठारे किए करते किए करते बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स, अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा केवे लॉन्च कराई थिला 1920 मसीह रे महात्मा गांधी को द्वारा लॉन्च कराई थिला एवं खिलाफत मूवमेंट मध्य 1920 मसीह रे मोहम्मद अली एवं शौकत अली लॉन्च करथिले एवं यहा द्वारा कोन होइथिला हिंदू मुस्लिम रो यूनिटी होइथिला, महात्मा गांधी यहा को सपोर्ट करथिले खिलाफत मूवमेंट को एवं यहाँ मोहम्मद अली जिना कौन करते अपोज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड फेनोमेनन लीडरशिप रोल ड्यूरिंग द चितांग आर्मारी रेड, या किए करते चितांग आर्मारी रेड बाहर लीडर किए थे सूर्या सेन, सूर्या सेन थे यार लीडर चितांग आर्मारी रेड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802 विथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ट्रीटी ऑफ बेसिन के साइन करते के 1802 मसीह, 1802 मसीह किए करते पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन 1793 दो द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम 1793 मसीह परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यह किए इंट्रोड्यूस करते कौन कह सनसेट लॉ मध्य कहुए किए करते लॉर्ड कॉर्नवालिस करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ द्वारा कौन कर किंग मान राजा मान डायरेक्टली कलेक्शन करा टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सॉरी राजा मान नुह फार्मर मान राजा मैंने डायरेक्टली कलेक्शन करते टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 व्हिच लेटर कन्वर्ट इंटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अर्थात 1875 मसीह किए करते मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाहर कन्वर्ट कौन कराला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराला यह कौ जगार अच्छी उत्तर प्रदेश टे अच्छी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश टे अच्छी सेठार किए करते सार सैद अहमद खान द्वारा कराई एवं अलीगढ़ मूवमेंट सार सैद अहमद खान द्वारा कराई 1875 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लोअर हाउस को कौन कहुए स्टेट लेजिस्लेचर कौन कहुए लेजिस्लेटिव असेंबली सेमती यूनियन लोअर हाउस को कौन कहुए यूनियन लेजिस्लेचर लोकसभा बा हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्या आम पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस हो क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने कौन अटे 18 वर्ष ऊर्ध बालक मैंने भोट दे निर्वाचित यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहुए भोट देवा कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज सिमिलर टू द कैबिनेट सिस्टम ऑफ आम देशर गवर्नमेंट कहार गवर्नमेंट सहित सेम भलिया अटे कहार यूके रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टू मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन नेशनल लीडर हु फॉर्मेड स्वराज पार्टी इन 1923 आर किए किए कर स्वराज पार्टी को तैयारी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के भी करते 1923 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए हाईकोर्ट जज, हाईकोर्ट जज मान रिटायरमेंट एज के अटे 62 इयर्स सुप्रीम कोर्ट रो 65 इयर्स एवं हाईकोर्ट रो जज मैंने रिटायरमेंट पर कौन से जगह लोअर भाव में अगर कौन से कार्य करती जो जगह करूँ से जगह को छाड़ी कितु अगर यही सुप्रीम कोर्ट जज मैंने पारती मिनिमम एज विषय कौन से दि जाए ना। हु एमंग द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट अथॉरिटी टू एमेंड द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को किए एमेंड कर पार्लियामेंट को आर्टिकल अनुसार 360 आर्टिकल अनुसार
पार्लियामेंटर बेसिक फीचर को छाड़ी से अन्य समस्त को एमेंडमेंट कर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्वेन वाज द फास्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। आम देश में प्रथम रेलवे लाइन किए स्टार्ट करते के 1853 मसीह लॉर्ड डेलहाउजी यह स्टार्ट करते कौटा को रेलवे लाइन 16 अक्टोबर 1853 मसीह कौ जगार बम्बे थाने पर्यंत एवं पोस्टाल के करते पोस्टाल लॉर्ड डेलहाउजी करते PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यह लॉर्ड डेलहाउजी करते सहित टेलीग्राफ से करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ थिला हिस्ट्री और ज्योग्राफी रो। नेक्स्ट देखा आम सॉरी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स रो। नेक्स्ट देखा ज्योग्राफी रो केमिति क्वेश्चन आसी आपण लाइक करना ताले लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ता मध्य करंतु। ओरोरा ऑस्ट्रालिज कैन बी सीन इन ओरोरा ऑस्ट्रालिज कोठारे देखा जाए 66 डिग्री साउथ लाटिट्यूड रे कोठारे देखा जाए 66 डिग्री साउथ लाटिट्यूड रे देखा जाए यह कौन अटे यह गोटे साउथ लाइट अटे न्यूजीलैंड एवं आंटार्क्टिकार साउथ लाइट को कौन कहुए ओरोरा ऑस्ट्रालिज कहुए 66 डिग्री साउथ लाटिट्यूड रे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग विशाखापट्टनम पोर्ट रे विशाखापट्टनम जो पोर्ट अच्छी तार रैंक केते नंबर अच्छे थर्ड यार सठिक आंसर हम थर्ड रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री कैन बी फाउंड इन आल्पिन वेजिटेशन कवर कौट जगार देखा जाए आल्पिन वेजिटेशन बा आल्पिन उद्भिद कौ जगार देखा जाए कौटार जूनिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्रिंग रेन इन विंटर टू व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया कौ जगार होता है नॉर्थ ईस्ट पवन द्वारा नॉर्थ ईस्ट पवन द्वारा विंटर समय रे कौन होता है वर्षा होता है कौ जगार होता है तमिलनाडु रीजन रे होता है विंटर समय रे वर्षा होता है नॉर्थ ईस्ट पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिक एंड देयर ओरिजिनेशन स्टेट आर मैच कौटा सठिक अटे कौटा गोटे चांदेरी कौटे मिलता है चांदेरी चांदेरी हूँ गोटे शाढ़ी अटे मध्यप्रदेश में यह मिलता है चांदेरी शाढ़ी यह सठिक दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन नेदर लाटिट्यूड नॉर द लॉन्गिट्यूड आर स्ट्रेट लाइन कौटा लाटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौटा स्ट्रेट लाइन न था अर्थात कौटा गोटे स्ट्रेट लाइन न था कौटा गोटे बोन प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कोदाई केनाल इज द हाइएस्ट पिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कौ हिल्स हाइएस्ट पिक कोदाई केनाल अटे कोदाई केनाल कौ कौटार हाइएस्ट पिक अटे कौ हिल्स कौटार पालानी हिल्स कौ जगार अच्छे तमिलनाडु अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाटिट्यूड ट्रॉपिकल साइक्लोन आर एब्सेंट कौटे ट्रॉपिकल साइक्लोन न थाए कौटे 0 to 5 degree नॉर्थ साउथ लाटिट्यूड रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर माइका रिजर्व कौटे माइका देखा जाए कौटे आरावली रेंज रे छोट नागपुर रीजन रे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जोअर माइन्स कौटे कहीं फेमस अटे जोअर माइन्स कहीं फेमस अटे कहीं जिंक फेमस अटे जिंक एवं यह कौ जगार अच्छे राजस्थान रे अच्छी जोअर माइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए बार्ड सेंचुरी कौटा गोटे बार्ड सेंचुरी अटे कौटाटे कोयलेदे गाना कोयलेदा गाना हूँ गोटे बार्ड सेंचुरी अटे कौटे अच्छे राजस्थान रे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल कौटे कम वर्षा होता है अर्थात अधिक वर्षा हो न था कौटे लद्दाख टे
लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, को स्टेटमेंटा ट्रू अटे बा सठिक अटे, कौटा अटे डी अटे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड लाइफ एनिमल। वाइल्ड लाइफ एनिमल मान को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन करते सुरक्षा देते हैं प्रोटेक्शन देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एवं तेयर माइंस, अर्थात को माइंस रे को नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं यह अनुसार कौटा सठिक अटे। लोहार दागा माइंस रे कौन मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। लोहार दागा माइंस रे बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डोंगरी इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ, को राज्य रे डोंगरी भाषा कहा जाए। यार आंसर हूँ आपण अटे, यार आंसर आप कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। डोंगरी भाषा को राज्य में कह जाए, यार आंसर आप कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। और लाइक और शेयर करना शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ। अन्य समस्त क्लास देखापी आप प्लेलीस्ट को ये देखिपारे, तेणु थैंक यू।